हाई एवरी वन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आरती मिश्रा, वन ऑफ द टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर। आज के लेसन में हम लाइफ इन डेजर्ट्स डिस्कस करेंगे। दो प्रकार के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, और इन दोनों ही डेजर्ट्स में अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम और अलग अलग प्रकार की लाइफ होती है। हमारे देश में इंडिया में हॉट डेजर्ट भी है जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, एंड कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। तो आइए इन दोनों ही प्रकार के डेजर्ट्स की बात करते हैं। डेजर्ट क्या है? ये एक एरिड रीजन है जहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते हैं, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो जाता है और कभी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो जाता है। बहुत ही कम यहाँ पे वेजिटेशन होती है, यहाँ की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। तो टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डेजर्ट्स को आप हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट के रूप में बांट करके देख सकते हैं। अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो जैसे कि सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट जो है ये 11 कंट्रीज़ को टच करती है, और ये कंट्रीज़ हैं अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशियानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, वेस्टर्न सहारा। ये सारे वो देश हैं जो कि सहारा डेजर्ट के द्वारा कवर किए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा अफ्रीका का मैप, और ये देख सकते हैं ये, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, ये आपका यूरोप है, ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ से ये आ जाता है आपका रेड सी, और रेड सी से अगर आप इधर आओगे तो यू विल रीच इंडिया। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट हुआ करता था इंडिया तक आने का, जिसे बहुत ज़्यादा पहले यूज़ किया जाता था। और इजिप्ट की ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ के जो सुल्तान थे इनकी बहुत ज़्यादा इंडिया के जो गुजरात के सुल्तान हैं उनके साथ पार्टनरशिप होती थी, एंड दे ऑल वांटेड टू डिफीट पोर्टुगीज, दे नेवर वांटेड कि यूरोपियंस कभी इंडिया तक पहुँचे। ठीक है, ये सारी कहानी हुआ करती थी। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट को, जो कि ट्यूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये सब इलाकों को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिबिया, तो ये सहारा डेजर्ट है। ओके, सो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, यहाँ पे शॉर्ट रेनी सीज़न होते, बारिश बहुत कम होती है, स्काई हमेशा क्लाउडलेस रहता है, क्लियर रहता है, मॉइस्चर जो है यहाँ पे बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, जितनी जल्दी एक्यूमुलेट नहीं होता उतनी जल्दी एवापोरेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन के लिए उस प्रकार की सॉइल नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही कम आपको फ्लोरा फाउना देखने को मिलता है। जो फ्लोरा फाउना यहाँ पे होता भी है, जिसमें कैक्टस आ जाते हैं, डेट एंड पाम के ट्रीज आ जाते हैं, कैसिया आ जाते हैं, इन सम प्लेसेस दे आर ओएसिस भी होते हैं। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस जो है ये ग्रीन आइलैंड होता है विद डेट पाम सराउंडिंग देम। ठीक है, पाम ट्री होते हैं, आप देख सकते हो ये छोटा सा एक यू नो तालाब के जैसा होता है। जब बहुत ज़्यादा यू नो इरोजन होता है, हवा चलती है, तो उससे क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर उभर करके दिखने लग जाता है, उसके आसपास थोड़ी बहुत वेजिटेशन डेवलप हो जाती है। सहारा डेजर्ट जो है इसके अगर हार्श क्लाइमेट को देखें तो ये बहुत ही हार्श है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं, जिसमें कि जो है बेडियंस हैं और टुआरिक्स हैं, ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो लद्दाख इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेट हिमालयाज़ में है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे काराकोरम रेंजेस हैं नॉर्थ में, जस्कर माउंटेन्स है, जस्कर रेंज है इन द साउथ, और कई सारी नदियाँ यहाँ से होकर के गुजरती है, जिसमें से इंडस हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। इंडस ओरिजिनेट तो इंडिया में होती है, बट ये ड्रेन होती है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर हमारी इंडस वाटर ट्रीटी भी चल रही है। यहाँ पे बहुत ऊंचाई है, इसीलिए ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, एयर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है, इसीलिए यहाँ पे हवा बहुत थिन होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, और सन की इंटेंसिटी को आप बहुत आसानी से यहाँ पे फील कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पूरा लद्दाख का इलाका है, और ये वो इलाका है जिसके ऊपर चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये वो इलाका है जिसको पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके चाइना को बेच दिया है। ठीक है, और ये वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है, दिस इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हमारे लिए पैदा करता है।
सी, सो दिस इज़ द मैप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें अभी हम लोग फ्लोरा फाउना की भी बात करने वाले हैं और यहाँ के लोगों की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत एरिडिटी होती है, बहुत ड्राइनेस होती है, हवा अच्छी नहीं है, तो वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे कुछ जो है ग्रुप्स ऑफ विलोज, पॉपुलर्स के जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं वो वैली में आपको देखने को मिल जाएंगे। जब समर का मौसम होता है तो फ्रूट ट्रीज जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट जो है यहाँ पे खिलते हैं। कई सारे बर्ड्स के स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, रेवन, हुपी, आरकॉम। कुछ इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं। लद्दाख के अगर एनिमल्स की बात करें तो इसमें वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी आ जाते हैं। लोगों की अगर हम बात करें तो जो लोग हैं यहाँ पे, ये इधर मुस्लिम होते हैं या तो बुद्धिस्ट होते हैं। यहाँ पे हिंदू बहुत कम है, हिंदुओं की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है। समर सीज़न में यहाँ पे लोग काफ़ी बिजी हो जाते हैं क्योंकि यही वो समय होता है जब ये थोड़ा बहुत कुछ उगा पाते हैं। इसमें बार्ले, पोटैटो, पीज, बीन्स, टर्निप ये सब उगाते हैं। टूरिज्म ही यहाँ पे मेजर एक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है थिक्से मॉनेस्ट्री, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। सो ये था आपका कुछ डिज़र्ट्स के बारे में। अब अंत में अगेन आपको बताना चाहूँगी हमारे नए अन अकादमी के बैचेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि AIR2 जो है जागृति अवस्थी, हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो हमारी अन अकादमी की लर्नर थी। इसके अलावा और भी टॉप लर्नर्स हैं जिन्होंने अन अकादमी से एग्जाम को क्रैक किया है। आप भी हमारे नए बॉयज बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड TOP10। ये जो बैच है हमारे, इसमें 1 ईयर बैच है, 2 ईयर्स बैचेस हैं, NCERT बैचेस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश सभी भाषाओं में अवेलेबल हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। वीकेंड करेंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेस भी आ चुके हैं जिसमें सभी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स कवर किए जाएंगे। मिशन AIR है जो कि 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऑप्शनल बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। कॉम्बैट आप हर संडे देख सकते हैं, हर संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट की टेस्ट सीरीज हो जाती है जो कि ये TOP10 के कोर्स से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप, हिंदी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन रेज योर हैंड इन द क्लास एंड टॉक टू द एजुकेटर्स डायरेक्टली। पूरा लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाता है। आप इसके लिए लोन भी ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी सब्सक्रिप्शन लेने से 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं जो कि पूरा UPSC CSE का जो सिलेबस है उसे कवर करती हैं, और अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये प्राइसेस हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के, और ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं गाइज, अगर 3 साल का कोर्स लिया जाए तो ये 2500 से भी कम का है, तो कितना सस्ता ये कोर्स है क्योंकि अभी 67% डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी इस ऑफर को ज़रूर लें और अभी ही ज्वाइन करें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए याद रखिए कि कोड है TOP10 जिसे आपको यूज़ करना है फॉर 10% डिस्काउंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।